परेशानी तो अब उसे मिलेगी जब मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। आप ये भी करके देख लें अम्मी, फरीहा का घर तो फिर भी नहीं बसेगा। परेशान तो उसे होना चाहिए जिसने ये हरकत की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा नहीं था कल आपने राबिया आंटी को किस अंदाज में बातें कर रही थी। सलमान का फोन। हेलो, सलमान बात कर रहा हूँ। जानती हूँ, तुम्हारा नंबर सेव्ड है मेरे फोन में। अभी तक सेव्ड है? पता नहीं, शायद डिलीट करने का वक्त नहीं मिला मुझे। अच्छा, ऐसी कौन सी मसरूफियत थी? क्या बात करनी है तुम्हें? एक दोस्त होने की हैसियत से क्यों नहीं कर सकता क्या? कहो, मैं सुन रही हूँ। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी तुम्हारे से पूछ के नहीं की। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर तुम्हारे लिए तो ये वक्त बहुत मुश्किल साबित हो रहा होगा। बहुत मुश्किल। देखो, तुम्हारे साथ ये होता मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम वाकई मेरे लिए ऐसा सोच रहे? हाँ फरिया, आई फील सॉरी फॉर यू। खुशी लगा, तुम्हें तो ये सुनकर खुशी होगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मुझे, मैं इतना संग दिल नहीं हूं। खैर, तुम तो खुद अभी एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। हाँ, सही कह रही हो तुम। अजीब बात है फरिया, किस्मत ने हम दोनों के साथ कोई अजीब सा मजाक किया है। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, यूनिवर्सिटी नहीं आई आज तुम? नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। आ जाती तो फोन पर बात ना करनी पड़ती। वैसे थैंक यू सलमान कि तुमने मुझसे हमदर्दी का इजहार किया। इसमें थैंक यू की बात नहीं है फरिया, हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे और मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी जिस चीज़ से गुजर रही हो बहुत परेशानी होगी तुम्हें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी मुश्किलें जल्द ख़त्म हो जाएंगी। आई होप सो। अपना ख्याल रखना। तुम भी। ओके, बाय। यादों के भंवर में डूब गई आँखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें, इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे। और ये मेरा पुराना कमरा। अच्छा है। और अब तो तुम मेरे साथ नए कमरे में शिफ्ट हो गए हो, तो इसे तो पुराना ही कहोगे ना। वैसे भी इस कमरे के साथ कुछ अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई। कोई बात नहीं, जब मैं इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी तो इसकी भी अच्छी यादें हो जाएंगी। तुम अरे नहीं आशी, हम तो अपने नए घर के कमरे में रहेंगे ना, यहाँ क्यों रहेंगे, यहाँ थोड़ी रहेंगे हम। लेकिन शायान, मैं सोच रही थी कि हम लोग हफ्ते में एक आध दिन यहाँ पे स्टे कर लिया करें। हाँ, वो बाद में देख लेंगे उस बारे में, लेकिन फिलहाल मेरा यहाँ पे रहने का कोई इरादा नहीं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कॉल अटेंड कर लिया। हेलो, we'll be right back.
आशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पे? ये कपड़े किसके हैं? ये शायान, मैंने पूछा ये कपड़े किसके हैं? मैं बता रहा हूँ ना, वो कपड़े असल में ना भाभी, ये मेरे कपड़े हैं। तो ये शायान के रूम में क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली भाभी, मेरी वार्डरोब में जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ रख दिए। वैसे भी शायान भाई के कपड़े तो नए घर में शिफ्ट हो गए। हाँ। और ये सारा मेकअप का सामान, ये भी तुम्हारा? जी भाभी, और किसका होगा, ये भी मेरा है। वो आपको अम्मी बुला रही थी, मैं इसीलिए आई थी आपको बुलाने। चले। हाँ जाओ, अम्मी वेट कर रही होगी, चाय का कह रही थी शायद। आपको नजर नहीं आ रहा किस कदर बदतमीज है आपकी बहन और क्या क्या कर रही है वो अपने शौहर के साथ? और आप कह रहे हैं कि क्या है ऐसे इस घर में? क्या करती फिर रही है भाई, तुम क्या जानती हो? शायान की वालदा बता कर तो गई थी, सुना नहीं था आपने? तौबा भाई, ड्रामों और फिल्मों में तो हम देखा करते थे कि बीवियां शौहर पे कमरों के दरवाजे बंद कर देती थी, पर आपकी बहन तो हकीकी जिंदगी में ये सब कुछ कर रही है। देखो, ये उनका आपसी मामला है, तुम्हें इसमें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का आपस का मामला सबके सामने, कैसे ना मैं फिक्र करूं? अच्छा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं उसमें? आप बड़े हैं, आप समझा नहीं सकते, पर आप सख्ती तो कर सकते हैं ना? नहीं, मैं इस घर का बड़ा नहीं हूं, इस घर की बड़ी अम्मी है। अम्मी को तो फरिया की कोई गलती नजर ही नहीं आती है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है? परेशान तो कर रही है एक सोच, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सी सोच है। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नाराज तो नहीं होगी? नहीं होगा। तुम्हारे हवाले से एक सोच मुझे बहुत परेशान कर रही है शायद। कैसी सोच? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बदल रहे हो या फिर बदल चुके हो। कैसे? पता नहीं क्यों शायान, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम अब सारे के सारे मेरे नहीं रहे, कोई और भी है जो हमारी मोहब्बत का हिस्सेदार बन चुका है। मेरा मतलब है बन चुकी है। आशी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारा नहीं होऊंगा तो किसका होऊंगा? मुझे सच सच बताओ शाही, क्या मुझसे पहले भी तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की रह चुकी है? नहीं, ना तुमसे पहले और ना कभी तुम्हारे बाद आएगी। आशी, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अब तसल्ली हो गई है, कसम खाऊं मैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों शायान, लेकिन अब मुझे ये घर काट खाने को दौड़ता है। लेकिन आशी, ऐसा क्यों है? तुमने तो इसे बहुत चाह से सजाया। मैं सारी जिंदगी अकेली रही हूँ शायान, अब मैं अकेली रहना नहीं चाहती, मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज एक काम कर लो, तुम मम्मी और जोया को कहो कि हमारे साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा मम्मी से। वो यहाँ पे आने पे राजी हो जाएंगी ना? मुश्किल है,
असल में अम्मी को उस घर से मोहब्बत बहुत है। तो कोई मसला नहीं है, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा आशी, हम इस मौजू पे कल बात कर लेंगे ना, अभी तुम सो जाओ, सुबह उठोगे फिर बात कर लेंगे। ठीक है। मैंने मायदा से कह दिया ना कि शायान को बुलाए। शायान नहीं आएगा, आपने देखा नहीं उसकी माँ आ गई लेकिन वो नहीं आया। और आपको क्या लगता है मायदा भाभी सुनेंगी? बिल्कुल नहीं सुनेंगी वो। उन्हें तो लगता है जिस तरह हसीब भाई ने अपना हक इस्तेमाल करके दूसरी शादी की है, बिल्कुल उसी तरह शायान ने भी अपना हक इस्तेमाल किया। अरे बेटा, हसीब की शादी में तो मायदा की रजामंदी थी और शायान ने तो छुपके शादी की है दूसरी। और मैंने मायदा को बता दिया अगर इस मर्तबा शायान नहीं आया तो नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी। देखते हैं कि वो आता है या नहीं। और अगर हसीब भाई आपको लगता है कि मैं उस घर वापस चली जाऊंगी ना, तो गलत फहमी आप। जब तक शायान उस लड़की को तलाक नहीं देगा मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, वो जरूर आएगा, मैं उससे बात करती हूँ ना। और तुम देखती रहो, वो तलाक भी जरूर देगा, वरना उसकी बहन के साथ भी यही होगा। आपको लगता है कि उसको अपनी बहन की तलाक का डर है? अगर उसे इस बात का डर होता ना तो वो कभी दूसरी शादी ना करता। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है, आप हसीब भाई से भी बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो शायान? मैं ठीक हूँ, आप ये आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगी? मैंने दूसरी शादी कर ली है इसलिए। वो तो तुमने कब से कर लिया है शायान, बस बताया अब है। आप तो तब भी सुन के बहुत गुस्सा हुई थी। लेकिन अब नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पूरा हक था शायान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का, मुझसे गलती हुई। एक तो मैंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी फरिया से करवा दी और फिर तुम्हें दूसरी शादी करने से मना करती रही। आप ही आप मुझे हैरान कर रही हैं, इस कदर बदली हुई बातें। आज तुम्हारे मतलब की बातें कर रही हूँ तो वो बदली हुई बातें हो गई। शायद आपने ठीक ही कहा है। आशी कैसी है? ठीक है। वो मैं आऊंगी किसी दिन उससे मिलने। जी जरूर। अच्छा वो शायान, तुम घर आ सकते हो? किस लिए? वो हसीब और अम्मी तुमसे बात करना चाहते हैं। अभी आपको लगता है कि मेरे वहां आने से मामला हल हो जाएगा? शायद, तुम कोशिश करो, बात करो तो शायद हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि फरिया मेरे साथ जाने के लिए राजी हो जाएगी? शायान, अगर तुम प्यार से बात करोगे तो हो सकता है उसे समझ आ जाए। अभी आप फरिया के बारे में अभी भी ऐसा सोचती है? उसके साथ हमदर्दी रखती हैं आप? मैं बस खुद को फरिया की जगह पर रखकर सोचती हूँ शायान। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कब? ऑफिस से फ्री होके आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ऑफिस में क्या हो रहा है सिकंदर? मैंने सुना है तुमने रहमान साहब को छुट्टियों पे भेजने का कहा है। अजीब, बेसिकली मेरा दोस्त है दानियाल, मैंने उन्हें उसकी जगह पर रखा है और यू नो वेरी टैलेंटेड है, अमेरिका से आया है। और फिर आप जानती हैं रहमान साहब बिल्कुल पुरानी सोच के मालिक हैं, नए तकाजों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, और तुम खुद इतने टैलेंटेड हो और तुम्हारा दोस्त भी आई एम श्योर बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू सो मच मुझ पर एतबार करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू।
You're welcome. Khuda hafiz. मैम आपने सिकंदर साहब से बात की? हाँ बात हुई है मेरी। तो मैडम फिर क्या तय पाया आप दोनों के दरमियान? मुझे लगता है वो उन लोगों के साथ काम करना चाहता है जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है, पहले से जानता है। शायद ऐसा ही हो। रहमान साहब आप ऐसा करें कि लॉन्ग लीव मत लें, आप बस खुद को जरा महदूद कर लें। मतलब मैं समझा नहीं मैम। वो जो नया लड़का आया है उसे आप अपनी डेस्क दे दें और खुद को कहीं और एडजस्ट कर लें। ठीक है। मैं जानती हूँ आपको ये बात बुरी लगी होगी लेकिन मजबूरी समझें आप। ठीक है मैम, जो आप मुनासिब समझें। और जैसे ही मैं ऑफिस वापस ज्वाइन कर लूंगी तो सब कुछ दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। ऑलराइट जोया बेटा। जी अम्मी। कहाँ जा रही हो? अम्मी आपको बताया तो था दोस्त के यहाँ, उसकी सालगिरह है। अब कब तक वापस आ जाओगी? अम्मी थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा जल्दी वापस आ जाना आप। और अकेली जा रही हो? जी। ऐसा करो शायान आता ही होगा, तुम्हें छोड़ आएगा। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं ऑफिस भी तो अकेले जाती हूँ। अच्छा फिर भी जल्दी वापस आ जाओ। अच्छा अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो कैसे हो शायान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हाल तो ऐसे पूछो जैसे मैं परदेश में बैठा हूँ। मेरे लिए तो परदेश की बराबर ही है ना। कब आ रहे हो घर पे? आशी आज थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। क्यों, अम्मी के पास जाना है? नहीं वो एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है मैंने। दोस्त से मिलने फिर कभी चले जाना ना, अभी घर पे आ जाओ जल्दी। अरे नहीं एक जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा ना। दोस्त लड़का ही है ना? आशी फिर से शक कर रही हो? सॉरी, घर जल्दी आ जाना। बाय। तुम्हें वक्त मिल गया आज यहाँ आने का? मैं तो आज भी नहीं आना चाहता था, मायदा आप ही ने कहा इसलिए आ गया। अच्छा अपनी बहन के कहने से आयो, बीवी की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। आपने मुझे ये सब बातें सुनाने के लिए बुलाया यहाँ पे? नहीं, बातें तो मुझे और बहुत सी करनी है जो आज ही होंगी। बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुमने दूसरी शादी कर ली और बताया भी नहीं। तो आपकी शादी के बाद ही की है मैंने शादी? मैंने ऐलानिया शादी की थी, छुपके नहीं, फर्क है। मैंने छुपके नहीं की, अम्मी को पता था, जोया को पता था और मायदा आप ही को भी पता था। और तुम्हारी बीवी को? उसे पता चल गया। ये तुम लफ्जों का खेल खेल के अपने को सच्चा साबित नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरे बेटे की नकल करनी थी तो फिर पूरी तरह करते, इसने तो अपनी बीवी से इजाजत लेके की है दूसरी शादी, और तुमने? मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने कर दिया और मुझे कोई जरूरत नहीं है खुद को सच्चा साबित करने की। तुम झूठे भी हो और धोखेबाज भी, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हसीब भाई ने मायदा आपी के साथ किया। तुम मेरे बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते, समझे? पूछो अपनी इस बहन से कि कितनी मोहब्बत करता है ये, ख्याल रखता है इसका हर चीज का। और तुम मेरी बेटी का ख्याल रखते हो? बताओ मायदा। ऐसा नहीं है। सुन लिया तुमने अपने कानों से? बोलो शायान जवाब दो। ठीक है, आइंदा फरिया को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या आइंदा शिकायत नहीं मिलेगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फरिया को अपने साथ लेके जाने के लिए आया। पहले तुम मुझसे बात करोगे और फिर फरिया से? फरिया मेरी बीवी और आप मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकती। मैं माँ हूं उसकी, तुम यहां इस तरह हमारे घर में दोस्त नहीं जमा सकते, समझे? अच्छा मीन एक मिनट रुके, कुछ देर के लिए खामोश हो जाइए प्लीज। ठीक है तो फिर तुम बात करो, किसने रोका है तुम्हें?
शयान तुम जाओ फरिया के पास। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं आ सकता। मेरे कमरे में क्या करने आए हो तुम? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारी अम्मी से बात हो गई है? हाँ। अच्छा, तो तुम उस लड़की को तलाक देने की शर्त मान चुके हो? क्या इस तरह ही कोई शर्त नहीं रखी मेरे सामने? अच्छा, तो फिर मैं रखती हूँ। पहले तुम उस लड़की को तलाक दोगे और फिर मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है या नहीं। तुम ऐसा करोगे या नहीं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? मोहब्बत करते हो उस लड़की से इसलिए? क्योंकि मैंने दूसरी शादी तलाक देने के लिए नहीं की। तो ठीक है शायान, फिर तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। परिया, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। लेकिन मैं ऐसा ही चाहती। परिया, क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रही हो तुम? और तुम बात को बढ़ा चुके हो। देखो, मैं इसका हल निकाल रहा हूँ। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना। किस बात की माफी? कि मैंने तुम्हें बिना बताए काम किया। तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हें करने देती? इसीलिए तो नहीं बताया। निकल जा शायान यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तमीज से बात करो तुम। नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए? क्या हो गया फरिया, क्या हो रहा है? देख रही आप इसको? उस लड़की को तलाक देने के लिए राजी नहीं है ये। देख लिया सी भाई आपने, मुझसे किस तरह बात करती है ये? इसी तरह बात करूंगी मैं तुमसे। और अब निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा एक मिनट फरिया, अब बिल्कुल खामोश है ना, एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। नहीं रहती मैं चुप। इसे कहे या तो उस लड़की को तलाक दे या जाए यहाँ से। हसी भाई, जब आपकी बहन का दिमाग ठीक हो जाए तब मुझे बुला लेना। उसका तो दिमाग नहीं ठीक होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी। वो शायान आपकी तरफ आया है? नहीं, वो तो यहाँ आया। अच्छा, शायान ने मुझे कहा था कि उसने किसी दोस्त की तरफ जाना है, अभी तक वापस नहीं आया, काफी देर हो चुकी है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो उसे फोन कर लो। आंटी, मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद है। आपके पास उसके दोस्त का नंबर है? दोस्त का नंबर? जी, दोस्त का नंबर। बेटा, पता नहीं कौन से दोस्त के पास होगा, मेरे पास तो उसे उसके किसी दोस्त का नंबर नहीं है। ठीक है आंटी, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बेटी की शायान जैसे लड़के से शादी करवा दी, और उससे बड़ी गलती कि तुम्हारी शादी मायदा से करवा दी। अच्छा ना, चलिए ठीक है, पुरानी बातें कुरेदने का क्या फायदा? अरे यही पुरानी बातें तो फसाद का जड़ बनी हुई हैं। शायान तो चाह रहा था कि फरिया को अपने साथ ले जाए, फरिया ही नहीं जाना चाह रही थी उसके साथ। ऐसे नहीं जाएगी मेरी बेटी जब तक वो उस लड़की को तलाक नहीं दे देता। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बहुत गलत मुतालबा आपका, ये किस तरह की बातें कर रही हैं? जो भी है ऐसे ही करना होगा उसे। ठीक है फिर, जो जी चाहे आपका वो कीजिए। इस तरह तो मुझे मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सॉरी। हल होता नजर नहीं आ रहा, हल करके दिखाऊंगी मैं, और ऐसा हल करूंगी कि पता चल जाएगा सबको। किन सोचों में गुम बैठे हो? सारा को अंगूठी वापस कर दी थी तुम? कर दी थी। कुछ कहा नहीं उसने? सॉरी,
सॉरी बोल रही थी मुझे, इसके अलावा वो और बोल भी क्या सकती है। सॉरी मक्कार लड़की कहेगी। हम अब ये सारा का किस्सा खत्म करें। हाँ किस्सा तो क्लोज कर दूंगी, लेकिन सलमान इस बार गलती मेरी थी, मैंने ही तुम्हें सारा की तरफ रागिब करने की कोशिश की। मुझे क्या पता था, मैं तो समझी वो बहुत मासूम लड़की है, फर्मा बरदार है, मेरे घर में आएगी तो हमारी खिदमत करेगी, हमारे साथ रहेगी, लेकिन उसने तो बहुत बड़ा धोखा दिया। सारा क्या, फरिया और सारा दोनों एक जैसी निकली। हम मत किया करें दोनों का जिक्र, क्यों पुराने जख्मों को ताजा करती है। ठीक है नहीं करती मैं उनके बारे में बात, लेकिन उस नुकसान का क्या करें जो वो हमें देकर गई हैं। अपने भाई की बीमारी का बहाना करके तुमसे अलग पैसे लिए और मेरे पैसे अलग चोरी किए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी शादी की राह में इतनी रुकावटें क्यों हैं। मैं तो हर वक्त सदका खैरात करती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नजर है तुम्हारे ऊपर। मॉम हो जाएगी मेरी शादी, आपको फिक्र करनी है तो मनाल की शादी की फिक्र करें। अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मनाल की शादी तुम्हारी शादी के बाद ही होगी, पहले नहीं होगी, समझे तुम। आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मसरूफियात है आजकल तुम्हारी। खास मसरूफियात नहीं है सारा, अपने घर से तुम्हारे घर और तुम्हारे घर से अपने घर वापस। और आशी की वालिदा के ऑफिस है ना, वो तो तुम बताना ही भूल गए, क्या हुआ घबरा क्यों गए। घबराया नहीं हूं मैं, वैसे तुम्हें किसने बताया। मुझे किसने बताया वो छोड़ो, तुमने मुझसे क्यों छुपाया ये बताओ। सारा मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, राइट। ये भी तो हो सकता है मैं शायद भूल गया हूं। कमाल है, पहले तो तुम मुझसे अपनी छोटी छोटी बात शेयर किया करते थे, आज इतनी बड़ी बात भूल गए बताना। सारा ऐसी छोड़ो यार, मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना था। हाँ श्योर पूछो, क्यों नहीं। तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई लड़की तो नहीं है। सारा तुम्हारे होते हुए कोई और लड़की कैसे आ सकती है। तो फिर वो कौन थी जिसके साथ तुम कल रात थे, मैंने खुद आवाज सुनी थी फोन पर। कल रात अरे वो तो मेरी मॉम की भतीजी है यार, कल रात वो घर पे आई हुई थी वापस चली गई। तुम ऐसी शक कर रही हो। उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं कह रहे, मुझे डिच तो नहीं करोगे ना। और अगर कर दूं तो फिर मैं पुलिस को वो सारे सबूत दे दूंगी, आज तक हमने जितने भी फ्रॉड्स किए उन सब के सबूत। मुझे धमकी दे रही हो, जो समझो। तुमसे माफी मांग रहा हूँ। किस बात की माफी? कि मैंने तुम्हें बिना बताए काम किया। तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हें करने देती, इसीलिए तो नहीं बताया। निकल जा शायान यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो मैं कौन से मारा जा रहा हूँ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। आपको नींद भी नहीं आ रही,
नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा ये काम सिर्फ मेरे ही जिम्मे है। अच्छा, मतलब इतना बेहद समझ लिया तुमने मुझे। नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आपको क्या परेशानी हो सकती है। आपने मुझे छोड़ भी दिया तो दूसरी बीवी है ना आपके पास। हर बात पे तंज मत किया करो मैडम। और आपको मेरी हर बात तंज क्यों लगती है? क्योंकि तुम तंज करना सीख गई हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी मैडम। पहले तो बहुत कुछ ऐसा नहीं था जैसा अब है। हाँ, सही कह रही हो। इस घर में जो कुछ भी होता है सबका जिम्मेदार मैं ही तो हूं, और कौन? आपको शायान पर गुस्सा है ना? नहीं, शायान पर गुस्सा नहीं है। शायान अपना मौकफ दे चुका है। उसने फरिया के साथ बहुत सब्र का मुजाहरा किया। उसकी जगह कोई भी होता वो यही करता। एक ऐसी बीवी के साथ रहना बहुत मुश्किल है जिसको आपका वजूद ही बर्दाश्त नहीं। और शादी के बाद भी अगर आप ताल्लुक निभा ना पाए तो उससे ज्यादा तकलीफ दे बात और कोई हो नहीं सकती। शायान ने चुपके शादी की, इसकी माफी और फरिया से मांग चुका है। शुक्र है आपने शायान को गलत नहीं समझा और फरिया की हिमायत नहीं की। अब फरिया को ही समझाने की जरूरत है। उसे समझ नहीं होगा। वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अभी गुस्से में। तुम एक काम करोगी प्लीज? तुम शायान को समझाना, उससे कहना एक बार फिर आ जाए, फरिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं कह दूंगी, आप फिक्र मत करें। मायदा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम बेकरार तुम्हारा, तुम बेजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने मोड़ा क्यों तूने। तो तुम उस लड़की को तलाक देने की शर्त मान चुके हो क्या? इस तरह ही कोई शर्त ही रखेगी मेरे सामने? तो फिर मैं रखती हूँ। पहले तुम उस लड़की को तलाक दोगे और फिर मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है या नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मोहब्बत करती हो उस लड़की से इसलिए? क्योंकि मैंने दूसरी शादी तलाक देने के लिए नहीं की। तो ठीक है शायान, फिर तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। कहाँ गए थे? मम्मी की तरफ गया था। लेकिन मैंने जोया से बात की, उसने बताया कि तुम घर पे नहीं हो। दोस्त की तरफ गया था। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला अभी कि तुम मम्मी की तरफ थे? आशी, क्या हो गया? गलती से मुंह से निकल गया। क्यों इतना गुस्सा करने लगे हो? तुम छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाती हो। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम मेरी बहन को फोन करके इंक्वायरी कर रही हो मेरी, लेकिन मैं नहीं गुस्सा कर रहा ना। छोड़ दो अब इस बात को। आई एम सॉरी शायान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे। आशी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार करता हूँ तुमसे, कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे, ना छुपा सकता हूँ मैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया शायद, पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ मैं। आशी, तुम सारा दिन घर रहती हो ना, इसलिए ये उल्टी सीधी सोचें तुम्हारे दिमाग में आती है। तुम एक काम करो, तुम ना अपनी मॉम का ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं नहीं, मैं मामा का ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी, हो जाऊंगी मैं ठीक। चले, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज मुझ पर शक करना बंद कर दें आप।
प्यार करता हूँ आपसे। मेरे साथ इस घर में कितना बुरा हो रहा है, और हसीब भाई भी उसी का साथ दे रहे हैं। अरे तुम हसीब की बिल्कुल फिक्र मत करो। आपने देखा नहीं है कि मायदा भाभी कितने सुकून से इस घर में रह रही हैं? सब देख रही हूँ। बस थोड़े दिन इंतजार करूंगी और फिर मायदा को ऐसे धक्के देके बाहर निकालूंगी कि याद रखेगी जिंदगी भर। मुझे समझ नहीं आता है अम्मी कि आप इन लोगों को इतनी ढील देती क्यों है। अरे तुम समझा करो, हर मसले की नजाकत होती है। हाँ नजाकत। अरे तुम अपनी माँ पर यकीन रखो, शायान ने अगर उस लड़की को नहीं छोड़ा तो मायदा को भी तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। क्या सच में? हाँ सच में, अगर तुम्हारा घर ना बसा तो उसका घर भी नहीं बस सकता। फिर शायान को सही मजा आएगा। अरे दोनों के होश ठिकाने आ जाएंगे। बहुत अकड़ रही है ना मायदा, क्या हसीब अगर मुझे छोड़ दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार दिन माँ के घर रहेगी तो अकड़ ठिकाने आ जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ अम्मी। बेटा जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। मुझे यकीन है आप।